हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका कनाडा का गुजराती फ्रेंड मलय और ये है अपनी कनाडा की लाइफ। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं। आज है 8 अगस्त, वार है शनिवार, दोपहर के 2 बज गए। बड़ी लेजी सी मॉर्निंग थी आज, यूजुअली जैसी वीकेंड को होती है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे में काम कर करके हवा निकल जाती है, तो सैटरडे को कभी सुबह जल्दी उठने का मूड ही नहीं बनता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं एसओ के गैस स्टेशन में, जहाँ पर हम करेंगे आज मेरी गाड़ी की ऑटोमेटिक जो कार वॉश होती है वो। अगर आपको पैसे बचाने हैं और आपको मैन्युअली वॉश करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर आप कॉइन डाल के वो जो पानी की नोजल होती है उससे आप खुद मैन्युअली हाथ से गाड़ी को साफ कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। एनर्जी का मतलब कि आपको नीचे उतर के सारा सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता है, उसकी जगह पे ये विद इन 3-4 मिनट्स आपकी पूरी गाड़ी साफ हो जाती है। प्लस इसके अंदर जो केमिकल ये यूज़ करते हैं सोप के, वो बड़े अच्छे होते हैं, जो शायद वो दूसरे वाले जो मैनुअल होते हैं उसके अंदर नहीं होते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। गैस स्टेशन के अंदर से मुझे एक उसका कूपन लेना पड़ता है, पैसे भरने पड़ते हैं, और कूपन लेने के बाद गैस स्टेशन जो सामने है वहाँ पर, सॉरी कार वॉश स्टेशन जो सामने है वहाँ पर जाकर मुझे वो अंदर जो कूपन के अंदर कोड देते हैं वो कोड वहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे मैं एंटर करता हूँ, जो कूपन कोड का रेलेवेंट कार वॉश होता है, क्योंकि कार वॉश भी कई तरह के होते हैं, एक ही कार वॉश नहीं होता है, एक ऑर्डिनरी होता है, एक उससे थोड़ा अच्छा वाला होता है, एक अंडर कोट को भी क्लीन करता है, मतलब गाड़ी के नीचे से भी उसको साफ करता है। तो चलिए अंदर चलता हूं मैं कूपन लेने के लिए और फिर मैं जाके दिखाता हूं सामने कि कैसे होता है ये ऑटोमेटेड कार वॉश। छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं गैस डलवाता हूँ, मतलब अगर कि मैं पेट्रोल डलवाता हूँ कार वॉश के साथ में, तो मुझे $2 डिस्काउंट मिलता है। मतलब कि अगर मैं $5 का गैस डलवाता हूँ और फिर कार वॉश करता हूँ, देन आई डोंट नीड टू पे दोज एक्स्ट्रा $2, मतलब $17 का जो कार वॉश है जो सबसे प्रीमियम है $17.99 का, वो पड़ेगा मुझे $19.99 में अगर मैं गैस नहीं डालता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना $5 का गैस भी डाल देते और फिर कार वॉश करते हैं। देखिए वैसे तो टंकी फुल है, मतलब ज़्यादा गैस की जगह नहीं है, बट फिर भी $5 का तो आ ही जाएगा। तो भैया गैस डलवा दी है और अपने पास कूपन आ गई है कार वॉश की, और मैंने ली है जो सबसे प्रीमियम था, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट कार वॉश, के जिसके अंदर जितने भी फीचर्स है नीचे से ऊपर से साइड में से आगे से पीछे से सब जगह से साफ हो जाएगा। प्लस उसका कुछ रस्ट कोट का कुछ तो होता है उसके अंदर, उसके फीचर्स में लिखा था। मैंने पूछा कि मैं इसकी फोटो ले सकता हूँ कि नहीं, लेकिन वहाँ पे जो लेडी थी उसने मना किया, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। ट्राई करूंगा मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके दिखाने की कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। और अभी चलते हैं पीछे जहाँ पर है अपना कार वॉश। अभी मेरे हाथ में ये कोड है और मुझे इसको इसके अंदर डालना है, मशीन के अंदर टाइप करके डालना है, और यहां पर लिखा हुआ है कि प्लीज वेट टू एंटर योर कोड, क्योंकि आगे ऑलरेडी एक गाड़ी का काम चालू है, जब तक वो खत्म नहीं होती है तब तक यहाँ पर एंटर नहीं करने देगा अपने को। जब तक ये गाड़ी हो जाती है तब तक आप सुनिए बढ़िया सा म्यूजिक। देखिए यहाँ पर आ गया प्रीमियम, अल्टीमेट, स्टैंडर्ड और बजट। मैंने जो लिया है वो ये वाला है, 19.99 वाला, बट
क्योंकि मैंने जो $5 का गैस वहाँ पर डलवाया था उसकी वजह से मुझे यहाँ पर $2 का डिस्काउंट मिलेगा। और चलिए डालते हैं ये कोड, कोड जो है वो है 240508, ठीक है, एंटर दिखा रहा है, यू हैव सिलेक्टेड अल्टीमेट टोटल ये, यू वुड लाइक टू ऐड एडिशनल प्रोटेक्शन, $2 का कुछ तो है जिसको बोलते हैं मैक्स प्रोटेक्शन, वो डालना नहीं है, बहुत खर्चा हो गया अभी। योर वॉश इज़ करंटली इन यूज़, प्लीज़ वेट, थैंक यू। देखिए ऐसी हालत होने वाली है अपनी, आगे वाली गाड़ी की जैसी हो रही है, ये हो रही है धुलाई, जैसे वो मुन्ना भाई MBBS में था ना, धुलाई हो रही है या सिलाई, ये वही है, धुलाई हो रही है, धुलाई, देखिए। वो जो अभी नीचे हो रहा है ना, वो व्हील साफ हो रहे हैं उसके, जो अलॉय व्हील्स है वो भी क्लीन करता है, देखा आपने। मुझे मालूम है जब मैं इंडिया में था तो हमारी सोसाइटी के नीचे जो एक चौकीदार चाचा थे, उनका नाम था रामू चाचा, तो वो रामू चाचा को हम लोग गुजराती में रामू काका बुलाते थे, तो रामू काका को हम लोग जब भी ऐसे बाहर जाना हो, मतलब कोई फैमिली ट्रिप पे ऐसे जाना हो, तो उनको या 20-25 रुपये दे देते थे और वो गाड़ी पूरी बढ़िया सी साफ़ करके देते थे, अंदर से बाहर से सब जगह से। लेकिन यहाँ पर जो है वो 20 रुपयों की वजह, 20 रुपयों की बदले यहाँ पे होता है खर्चा $20 का। हालांकि मैंने प्रीमियम वॉश लिया हुआ है, आप अगर सस्ता वॉश भी लेते हो तब भी काम चलता है, बट मुझे ये चेक करना था कि चलो ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, आपको दिखानी है, तो फिर क्यों सस्ता वाला ले और सबसे महंगा वाला ही लेके दिखाते हैं, ताकि आपको पता चले कि कैसा ये वॉश होता है और कैसी कैसी इसके अंदर फैसिलिटीज़ ये लोग देते हैं। अभी तक आगे की गाड़ी का काम ख़त्म नहीं हुआ है, देखिए लग रहा है कि ये लास्ट वाला है, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत सारा पानी का स्प्रे निकल रहा है, तो हो सकता है कि अभी ये लास्ट टच होगा, मतलब फाइनल स्टेप पे गाड़ी आ गई हो ऐसा लग रहा है मुझे। इसके लिए मेक श्योर दोस्तों कि आपके पास अगर सनरूफ है, मेरी गाड़ी में तो सनरूफ नहीं है, लेकिन अगर सनरूफ है तो उसको बंद कर दीजिए, आपके विंडोज़ जितने भी है वो सारे बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर खुले रहेंगे तो पानी अंदर आएगा, सोप अंदर आएगा, सब कुछ अंदर आएगा और लग जाएगी आपकी बुरी तरह से वाट। ये बहुत टाइम लगा रहा है आगे की गाड़ी वाला, पता नहीं शायद उसने भी सबसे महंगा वाला लिया इसलिए इतने टाइम लगा रहा है। प्लीज पुल फॉरवर्ड व्हेन रेडी। देखिए नीचे से बहुत सारे स्प्रे निकल रहे हैं पानी के, मतलब ये अंडर बॉडी का जो है वो सफाई हो रही है। देखा आपने जैसा ही वो बीप बजा, वहां पर जो ड्राइवर हेड लिखा था वो स्टॉप पे आ गया, मतलब अभी अपने को हिलना नहीं है। ये हो गई धुलाई शुरू। देखिए इसके अंदर 3 कलर है, पिंक, येलो और ब्लू, देखो ब्लू, येलो और कहीं कहीं पर पिंक दिख रहा है मुझे। ये लगा दिया साबुन, अब धुलाई शुरू हो गई, मतलब घिसाई पिटाई शुरू हो गई है, धुलाई तो चालू हो गई थी, यू कैन फील इट, मतलब जैसे ही वो घिसना शुरू करता है पूरी गाड़ी दर्र ऐसे हिलती है।
उसके अंदर दो टाइप के वॉश होते हैं, एक टचलेस और एक सेफ टच। मैं यूजुअली सेफ टच प्रीफर करता हूँ क्योंकि उसके जो वो ब्रश होते हैं वो टच होते हैं गाड़ी को, तो जितना भी वो गाड़ी में कीचड़ वीचड़ लगा हुआ होता है तो निकल जाता है। टचलेस में वो बिल्कुल ही टच नहीं करता है, मतलब सिर्फ स्प्रे करके उसको निकालने की ट्राई करता है। ये जो ब्रश है वो पीछे गए हुए आ गया। ये वाला कोट शायद नया है, इसके पहले मैं जो सस्ता वाला लिया था उसमें ये नहीं था, मतलब ये कुछ नया है। देखिए अभी यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है ड्राइवर हेड, मतलब काम हो गया खत्म। अभी आगे जो हवा के ब्लोअर्स है यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर के दो और साइड में, वो सारे हवा के ब्लोअर्स है, तो पूरी गाड़ी वो सूख जाएगी। और इस टाइम पे अगर मैं खिड़की खोलूंगा ना तो इतना आवाज़ आएगा कि कुछ सुनाई नहीं देगा। और सामने जो है ना यहाँ पर टाइमर है, उसके अंदर 60 सेकंड्स देते हैं आपको, मतलब 60 सेकंड्स तक आप धीरे धीरे करके गाड़ी आगे ले सकते हो, और 60 सेकंड्स में पूरी गाड़ी सूख जाती है। इसका आवाज़ बहुत आता है, देखिए मैं आपको खिड़की खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है हम वैक्यूम करेंगे, ये जो दोनों है ना वो वैक्यूम क्लीनर है, तो बाहर से तो गाड़ी साफ हो गई लेकिन अभी अंदर से भी कर देते हैं। चलिए, और इसके लिए मैंने लगा दिया है ये वाला हेड स्ट्रैप, ताकि मेरे दोनों हाथ जो है वो एकदम फ्री रह सके और मैं दोनों हाथ से वो वैक्यूम क्लीनर का पाइप पकड़ के पूरी गाड़ी साफ कर सकूं, और आप वहां पर बैठे बैठे देख सके कि कैसे करता हूं मैं साफ। तो चलिए करते हैं गाड़ी को वैक्यूम। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे टैप करना है।
जैसे ये ग्रीन लाइट हो जाती है उसका मतलब है कि पेमेंट हो गया। तो चलिए रेडी हो जाइए। तो दोस्तों ये था वीडियो गाड़ी साफ करने का। नेक्स्ट वीक में नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक सबको बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।